चलो गाइस, चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको SBI PO का प्री का जो एग्ज़ाम हो गया है उसका सिर्फ 2 का एनालिसिस इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आपको फुल डिस्कशन, फुल डिटेल एनालिसिस देंगे सब्जेक्ट वाइज, इन सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन कितने नंबर का आया सभी बताएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए होंगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि बैंकिंग रिलेटेड सभी अपडेट, टिप्स और ट्रिक आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है रीजनिंग की। तो रीजनिंग में इस सिर्फ 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपको डबल डबल से 5 क्वेश्चन आया था। उसके बाद बॉक्स में आपको बॉक्स 9 वाला आपको 5 क्वेश्चन आया, CIR बार 6% वाला आपको 5 क्वेश्चन आया, फिर मंडे गेम्स वाला इसमें से आपको 5 क्वेश्चन आया था, फिर ब्लड रिलेशन से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिला था, फिर पेयर बनाने वाला में 1 क्वेश्चन मिला था, मीनिंगफुल में 1 क्वेश्चन मिला था, ऑड वन आउट वाला में आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिला, फिर चाइनीज कोडिंग जैसा कि हमने आपको पहले ही बोला था कि चाइनीज कोडिंग से क्वेश्चन आएगा, और फिर उसमें 5 क्वेश्चन आया आपको इनक्यूलेटिव वाला में 4 क्वेश्चन आया था। आपको ये हो गया दोस्तों रीजनिंग का एनालिसिस। रीजनिंग में आपको इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिला था। ये हो गया सिफ्ट 2 का 1 नंबर, सिफ्ट 2 SBI PO का प्री रीजनिंग का। चलिए अब हम चलते हैं आपको मैथ और इंग्लिश के में एनालिसिस के। तो ये हो गया दोस्तों आपको अब इंग्लिश का। तो बारी आई इंग्लिश की। तो इंग्लिश का सिफ्ट 2 में जो आपको क्वेश्चन आया था आपको क्लेश स्टेट से, जैसा कि वह आपको सिफ्ट 1 में ही पूछा, सिफ्ट 1 में नहीं पूछा गया था। एस्ट्रोनॉट वाला में आपको 5 क्वेश्चन आने देखने को मिला, फिर पैरा जंबल में सेंटेंस में आपको 5 क्वेश्चन मिला, और सेंटेंस रिगार्डिंग वाला भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। उसके बाद एरर डिटेक्शन में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला, फिर फेरेज रिप्लेसमेंट में क्वेश्चन आपको देखने को मिला। इंग्लिश की हम बात करें तो इंग्लिश ना ही ज़्यादा हार्ड था ना ही ज़्यादा ईजी था, मॉडरेट लेवल में आपको इंग्लिश को सिफ्ट देखने को मिला है सिफ्ट 2 1 नवंबर का। बात आती है सबसे भारी सब्जेक्ट यानी सबसे हार्ड जो स्टूडेंट्स को लगता है वो होती है मैथ यानी क्वांट के। तो सिर्फ 2 क्वांट में आपको 6 क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग नंबर सीरीज से देखने को मिला, इजी टू मॉडरेट था, मतलब ना ही ज़्यादा हार्ड था ना ही ज़्यादा इजी था, इजी और मॉडरेट के बीच में आपको देखने को मिला। वही 5 क्वेश्चन आपको अप्रॉक्सीमेशन से देखने को मिल गया था। जो अप्रॉक्सीमेशन वाला क्वेश्चन था वो बिल्कुल ईजी था, वही फिर DI में 1 था आपको पाई प्लस टेबल वाला में 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिला, DI 2 दूसरे क्वेश्चन में आपको टेबुलर था, सॉन्ग्स वाला में 5 क्वेश्चन था मॉडरेट में, फिर आपको क्वांटिटेटिव कंपेरिजन में आपको 5 क्वेश्चन मिला देखने को, फिर अर्थमेटिक में 9 क्वेश्चन था, अर्थमेटिक जो था वो आपको मॉडरेट लेवल का देखने को अर्थमेटिक में था। उसके बाद क्वांट में आपको दूसरे नंबर पर आता है, फिर टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला, प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन था, मिक्सर रिप्लेसमेंट से भी क्वेश्चन था, बोर्ड एंड स्ट्रीम से भी क्वेश्चन था, परसेंटेज भी क्वेश्चन था, SI CI क्वेश्चन था, पार्टनरशिप मेंसुरेशन इस सब में से आपको सभी में से क्वेश्चन था। दोस्तों हमने आपको सिर्फ 2 का एकदम सिंपल वर्जन में सभी का एनालिसिस दे दिया है। 1 नवंबर सिर्फ 2 का एग्जाम जो हुआ था SBI PO प्री का, उसी का हमने आपको इसमें एनालिसिस दिया है। अब सिर्फ 3 का जैसे एग्जाम होगा उसका भी एनालिसिस हम आपको इस वीडियो में अगले वीडियो में आपको दे देंगे। तो चैनल पर नए होंगे चलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बैंकिंग रिलेटेड सभी अपडेट हमारे चैनल की तरफ से सबसे पहले अपडेट आपको मिलते रहेगी। चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगर सिफ्ट 3 में आपको एक नया एनालिटिक्स के साथ। थैंक यू।